जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग आप सभी के बीच एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो सेशन लेकर के आया हूं, ये वीडियो लेक्चर सेशन है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों का कि पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाइए सर। तो चलिए मैं आ गया हूँ, मैं शुरू से लेकर के अंत तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, और इंटीग्रेशन को जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन से रूबरू होना पड़ेगा। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग मालूम होगा, डिफरेंशिएशन आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो भी आप आइए जान लीजिए, समझ लीजिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, सपोज कीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, तो ये वाई एक्सिस है आपका वाई वाई डैश, ठीक है ना, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स और ये एक्स डैश, ठीक। तो आप क्या करते हो, वाई एक्सिस को अगर आप छोटा सा पार्ट इसका तोड़ लोगे, जैसे कि डी वाई, ठीक है ना, जैसे फूल होता है ना, फूल से आप पंखुड़ी को तोड़ लेते हो, समझे ना। उसी प्रकार से आप क्या करना है, इस y एक्सिस से आप एक छोटे से एलिमेंट्री पार्ट को तोड़ लेना है, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, dy कहते हैं भाई, dy। इसी का क्या नाम है, इसका नामकरण हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ y, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ y। अच्छा, आपने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा कि x के छोटे से एक पार्ट होता है, उसका क्या नाम होता है, dx, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ x, आप लिख लीजिएगा। तो आपने ये मुखड़ा जरूर देखा होगा डिफरेंशिएशन में, d by dx of y, यानी कि इसका अर्थ होता है कि आप y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो आप यहां पर क्या करो, आप यहाँ पर y रखो, यहाँ पर x रखो। जैसे जैसे देखिए, x आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब स्वतंत्र है। तो आप जैसे जैसे x का वैल्यू डालोगे, भाई मेरे ये सब लिखना नहीं, ये सब समझना है, x का वैल्यू आप अगर 1 डालोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का वैल्यू आप 2 डालोगे, 2 डालो तो आपको y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x के वैल्यू में चेंजेस आने के दरमियान y में भी चेंजेस आ जाती है, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरियस जबकि y डिपेंडेंट। तो उसी को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आप y को चेंज करो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये मुखड़ा आपने देखा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे देखिए सिंपल बात है कि dx d by dt ऑफ x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, x बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा, कोई दो एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x, और इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लगा समय t, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कि मेरा जो डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, मेरा डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं ना, स्पीड कहते हैं। तो आपने देखा कोई एक चीज़ चेंज हो रहा है किसी दूसरे चीज़ के चेंज होने के वजह से, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि इससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो खैर, हम लोग उधर ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है हम लोग को, ठीक। तो हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग को इंटीग्रेशन समझना है। तो आपने अभी डिफरेंशिएशन का माने मतलब समझ लिया, आइए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का माने मतलब समझते हैं, डिफरेंशिएशन समझ लिए हम लोग, इंटीग्रेशन का माने मतलब समझते हैं। सबसे पहली बात है, इंटीग्रेशन का मुखड़ा ये रहेगा इस बार, है ना। देखिए, इंटीग्रेशन का मुखड़ा ये है, इंटीग्रेशन का मुखड़ा ये है। तो आप S लिखते हो ना, S को ऊपर से खींच दो और S को नीचे से खींच दो, मतलब इलेबरेट हो जाएगा, ऊपर और नीचे इलेबरेट हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर और नीचे इलेबरेट हो जाएगा। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन मान लीजिए fx है, ठीक है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कोई फंक्शन gx है, ठीक है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक फंक्शन नहीं जानते हैं तो पहले आपको फंक्शन पढ़ना होगा, और नहीं भी अगर आता है फंक्शन तो क्या सर हम लोग इंटीग्रेशन समझ नहीं पाएंगे, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है बाबू, आपको वन
मतलब फर्स्ट क्लास से, आज जो फर्स्ट क्लास है ना इसी से आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छा होता कि आप पहले जो है कि फंक्शन पढ़ लिए होते तो। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं भी इंटीग्रेशन से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग समझते हैं बातों को, ठीक। तो जैसे मान के चलिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब इंटीग्रेशन क्या है सर, क्या आप बताना चाह रहे हो। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, देखो रिवर्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो सर कॉस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस एक्स को डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं कि कॉस एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आना चाहिए बोलिए, तो साइन एक्स आना चाहिए, साइन एक्स। लेकिन एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी भी आता है, ये कैसे होता है ये सब चीज़ हम बताएंगे कि इंटीग्रल कांस्टेंट सी क्यों आ रहा है। लेकिन सब धीरे धीरे एक बेग आपको हर एक चीज़ दे दूंगा तो आप अगबका जाओगे, ठीक ना। अभी आप समझो कि इंटीग्रल कांस्टेंट एक सी आता है, ठीक है ना। तो कॉस एक्स को अगर जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी आता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं डिफरेंशिएशन के मदद से। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी हो गया। अब साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट कर दो, कर दो साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स प्लस सी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब प्लस का सी का, सी क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों सर, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई कांस्टेंट है ना, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट की जगह पर ये यहां पर हो सकता है ताल का पेड़, खजूर का पेड़ हो सकता है, तो हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोई चीज चेंज हो रहा है, जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, और ताल का पेड़ खड़ा है या फिर खजूर का पेड़ खड़ा है। तो अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन मूवेबल है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि खजूर का पेड़ भी उसके साथ साथ चलते रहेगा या चलने लगेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी चल रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक ना, कोई आदमी जो है कि वॉक कर रहा है, ठीक। तो कोई आदमी वॉक कर रहा है, कोई आदमी, ठीक ना, चलिए इस लड़की का नाम रख देते हैं डिम्पल, ठीक है ना। मान लीजिए ये डिम्पल जो है कि, है ना, वॉक कर रही है ना। ये डिम्पल का थोड़ा सा हाथ बना देते हैं, ठीक ना, ये पैर भी बन गया, ठीक ना। अब मान लीजिए ये डिम्पल जो है कि वॉक कर रही है, तो डिम्पल के वॉक करने से ये खजूर का पेड़ थोड़ी वॉक करेगा। सी पॉइंट पर ये खजूर का पेड़ है भाई, ये खजूर का पेड़ है ना, ये खजूर का पेड़ है ना। तो ये जरूरी थोड़ी कि डिम्पल के वॉक करने से खजूर का पेड़ वॉक करेगा। तो कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये डिम्पल मान लीजिए इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, और खजूर का पेड़ उस पर डिपेंडेंट है। तो डिम्पल के मूव करने से खजूर का पेड़ मूव कर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉन्स्टेंट चीज़ कभी चेंज नहीं होता है। जैसे आपके पास 10 रुपया है तो आप थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास 10,000 रुपया है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो आप थोड़ी कहेंगे कि आपके पास 10 अरब रुपया है। तो वही बात है, वो मतलब कांस्टेंट है, एट द मोमेंट, एट द टाइम वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वही बात है, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक। तो अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये प्रूफ हुआ ना कि मैंने कॉस एक्स का जैसे ही इंटीग्रेशन किया साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब जैसे साइन एक्स प्लस सी को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, कॉस एक्स, फिर दोबारा से वही आ गया ना। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट को। तो मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में भाई भाई है। ये बोलता है हम करेंगे उल्टा, तो ये बोलेगा हम करेंगे पुल्टा, मतलब एक दूसरे पर, है ना। ये जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ। अब जरा देखिए उल्टा पुल्टा समझिए, देखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स का तो हो गया ना, जैसे कि मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। एकदम आपने सही सुना, है ना, क्या सुना आपने, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि, ठीक ना, ये तो हुआ
ये तो हो गया आपका, ये तो आपको समझ में आ गया कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c हुआ। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, है ना, माइनस sin x होता है। ठीक, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो वही बातें हैं यहाँ पर, वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, है ना, उल्टा हो रहा है ना, देखिए तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस का सी इंटीग्रल कांस्टेंट, और जबकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, उल्टा हो गया ना आपस में एक दूसरे का, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले, हम लोग कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं लिख के रखा हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जब जब जरूरत पड़ेगा आप उन फॉर्मूलाज को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। बिना उन फॉर्मूलेज को देखे आपका क्वेश्चंस नहीं बनने वाला, ठीक है। और फिर आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा, या फिर बहुत मतलब अंदर तक पढ़िएगा, डिटेल में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आए हैं, ठीक है ना। इन फार्मूलाज का भी प्रूफ है ना, मैं सब कुछ डिटेल में बात करूँगा बाबू, तो एकदम टेंशन नहीं लेने का है, ठीक ना। आपको हर एक चीज़ सिर्फ समझना है, ठीक ना। तो देखिए फार्मूलाज मैं कुछ लिख के रखा हूँ, आई होप देखिए रिफ्रेश हो गया, अब आपको अच्छा सा दिख रहा होगा, ठीक ना। तब आपको अच्छा सा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ था ना इतना देर से, तो अब रिफ्रेश हो गया तो आपको अच्छा सा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स का, एक मिनट, हाँ साइन एक्स का, साइन एक्स का, ओके ओके कहाँ गया, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, बेस्ट रहेगा। हाँ तो भाई साइन एक्स का बात कर रहे थे, हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये पूरा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए एक ऊपर में मैं दिखा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होता है। तो इस पर आपको नहीं ध्यान देना अभी, इस पर आपको ये वाला चीज़ पर ध्यान नहीं देना है और ये ऊपर वाला चीज़ पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ फार्मूला देखना भाई मेरे, सिर्फ फार्मूला देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और उल्टा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, फिर देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक ना। फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और जबकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है, सी एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है। फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, जबकि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है, जबकि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी होता है। फिर देखिए ज़रा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x माइनस cos x इंटू cot x होता है, जबकि cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होता है। ये बेसिक्स है बाबू, ठीक ना। ये सब फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में आपको बातें समझ में आई, है ना, समझ में आए, इसी वजह से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक ना। और ये सबका प्रूफ है, टेंशन नहीं लेने का, सब प्रूफ करवाएंगे, ठीक। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन क्या होता है, एन माइनस वन। फिर देखिए एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन अपोन में एन प्लस का वन, है ना, n प्लस का वन और प्लस का एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ठीक है ना। जहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि n क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। क्यों सर माइनस वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या आ रहा है इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n के इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, x टू द पावर n प्लस वन अपोन में क्या आ रहा है, n प्लस वन और प्लस का एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, प्लस का एक क्या आ रहा है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, ठीक ना। तो अगर n का वैल्यू अगर आप माइनस वन रख देते हो तो क्या यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, नीचे में जीरो हो जाएगा, और नीचे में जीरो का मतलब अनडिफाइंड होता है, नीचे में जीरो अनडिफाइंड होता है, नीचे में क्या होता है, जीरो अनडिफाइंड होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो इसीलिए नीचे में आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और बात, ई टू द पावर एक्स का
डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, जबकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होता है, जबकि ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई प्लस का सी होता है। ठीक है ना, एक मिनट, अब इसको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, है ना, या नेक्स्ट पेज में हम लोग कैसे मूव होंगे। हाँ, ये तो हो गया था, ये हम लोग समझ लिए अभी तक, है ना, कि ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी होता है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका पीडीएफ आपको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना, कहां पर, तो वीडियो के नीचे में आप लिंक देखेंगे जहां पर ये इसका पीडीएफ आपको फॉर्मूला पीडीएफ के रूप में लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट तो देखिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। तो इस चीज जब जब रिफ्रेश हो रहा है ना, तब उस चीज को आप स्किप कर सकते हो, ठीक ना, बाकी बात तो मैं लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला को आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना। देखिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, जबकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई प्लस सी होता है। ठीक, तो अब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए यहां पर मैं लिख के आपको समझा देता हूं। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक ना, क्या होता है, 1 होता है, जबकि 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होता है। फिर देखिए, साइन इनवर्स एक्स, क्या मैं लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स, साइन लिख करके उसके माथे पर माइनस वन, ठीक ना, साइन इनवर्स वन इंटू एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स सिंपल कह सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, सिर्फ माइनस लगा देंगे, ठीक ना, जो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वही एज इट इज उतार देंगे, सिर्फ माइनस आगे में लगा देंगे। ठीक, तो माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जबकि वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक ना, टेन इनवर्स एक्स का आप देख सकते हो इधर डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इधर आप देख सकते हो वन अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, जबकि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो और इधर आप देख सकते हो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और इधर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको देखना है, बढ़िया से समझना है, है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इधर हो गया, अब आपको सीधा हम लोग कहाँ पर लेकर के आते हैं, हम लोग लेकर के आते हैं बेसिक्स रूल्स पर, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम लोग सम बेसिक्स रूल्स फॉर इंटीग्रेशन ये सब हम लोग समझेंगे, तभी जाकर के आगे हम लोग से क्वेश्चंस बनेंगी, ठीक ना। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, एक मिनट, हाँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, क्या लिखिएगा, सम बेसिक्स रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखेंगे हम लोग, है ना, तो ये क्या रूल्स होंगी। ठीक, तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो कि मैं बारी बारी समझाऊंगा। ये रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल फर्स्ट क्या कहता है, है ना, मान लीजिए कि एफ डैस एक्स इंटू डी एक्स रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, तो एफ एक्स प्लस सी होगा। कैसे सर, जरा देखिए, ये रूल है, देखिए जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एफ डैस एक्स होता है ना, और एफ डैस एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी होगा। अब आप एफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करके देख लो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, एफ डैस एक्स प्लस सी का जीरो हो जाएगा, तो एफ डैस एक्स आ गया ना,
तो वही बात है। तो सर इसमें कुछ आप एग्जांपल दे के दिखाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं बाबू, लो ये भी आपका हम ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। तो देखिए एक्स टू द पावर अगर एन रहे तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन अब प्लस का सी, जबकि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते थे, है ना। और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, देखिए एक्स टू द पावर एन प्लस यहाँ पर माइनस करते थे, यहाँ पर एन प्लस वन और यहाँ पर एन प्लस वन अब प्लस का सी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है और डिफरेंशिएशन का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ और जेन्युइन एग्जांपल ले करके। सर कुछ जेन्युइन एग्जांपल बोले तो ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स टू दी पावर भैंस, आप एक्स के माथे पर भैंस ले लीजिएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स के माथे पर भैंस अब प्लस वन, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, भैंस प्लस वन मिलेगा, ठीक। तो हाँ तो ये आपको भैंस प्लस वन मिलेगा और नीचे में भैंस अब प्लस वन मिलेगा, अब प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी मिलेगा, है ना। ये हुआ एक्स टू द माथे पर एक्स टू द पावर भैंस का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स टू द पावर भैंस प्लस वन अपोन में भैंस प्लस वन प्लस का सी। चलिए आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो हम लोग कुछ और भी जेन्युइन एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल आप कह सकते हैं या फिर अलजेब्रिक एग्जांपल कह सकते हैं, जो कि इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्स टू द पावर आप 3 ले लीजिए, तो एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस का 1 और नीचे में 3 प्लस का 1 अब प्लस का सी, है ना। तो ये हो गया सिंपल, तो क्या हो गया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 अब प्लस का सी। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको बातें, ठीक। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक, इरेज कर देते हैं। रूल लिख लीजिएगा, ठीक। तो रूल लिख लीजिएगा, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो रूल लिख लीजिएगा और फार्मूला भी लिख लीजिएगा साथ में। चलिए कुछ और एग्जांपल, जैसे एक्स टू द पावर माइनस 3 रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस 3 अब प्लस 1 अपोन में माइनस 3 प्लस 1 अब प्लस का सी। सर कैसे, बगल में फार्मूला लिख दीजिए तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। लीजिए एक्स टू द पावर एन है तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, देखिए फिर से मैं आपको लिख करके दिखा दूँ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपोन में एन प्लस 1 अब प्लस का सी, ठीक ना। एन प्लस 1 है ना, प्लस का सी, तो एन बोले तो माइनस 3, है ना, अब प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 और ये प्लस का सी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा रिजल्ट में, एक्स टू द पावर माइनस का 2 अपोन में माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अब प्लस सी हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और एक्स टू द पावर माइनस 2 है तो नीचे में हो जाएगा एक्स टू द पावर प्लस 2 अब प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स ले करके तब आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसा दे दे क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, देखो भाई एन रूट ए टू दी पावर एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एम बाई एन लिख सकते हैं। तो आप इसी को देखिए एम के जगह पर क्या है, एन के जगह पर क्या है, जरा समझना होगा। एन के जगह पर 3 है और एम के जगह पर 2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा एम बाई एन, बोले तो 2/3, समझ गए, एम बाई एन कंपेयर करके देख लीजिए, है ना। इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो ये होगा एक्स टू दी पावर 2/3 अब प्लस 1, फिर नीचे में 2/3 प्लस 1 अब प्लस का सी। तो फिर क्या होगा आगे, आगे तो आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए, है ना। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, है ना, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, मालूम है ना, तो 3 × 2 = 5, तो ये तो खैर आपको मालूम ही होगा, तो भी आप देख लीजिए भाई, है ना, किसी को दिक्कत होगा तो वो भी देख लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, ठीक है, ऊपर में 2 और ये 3 × 3 एक बार में कट गया, 1 प्लस 1 × 1 = 3, 3 बार में कट गया, तो 2 एकम 2 और 1 1 +
तीन, मतलब दो प्लस तीन पाँच, पाँच बटा तीन। तो ये सब आपको आना चाहिए। अभी हम बेसिक शुरुआत है इसीलिए मैं थोड़ा तोड़ दिया हूँ, लेकिन आगे नहीं तोड़ना नहीं तोड़ूंगा भाई, क्योंकि आप ट्वेल्थ पढ़ रहे हो, आप इलेवेंथ पढ़ रहे हो, तो आपको तो एलसीएम आना ही चाहिए, ठीक ना। नीचे देखो, दो टू बाई थ्री प्लस वन को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फाइव बाई थ्री प्लस कसी। तो इसी प्रकार से ये इसका आंसर रिजल्ट हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थ्री बटा थ्री बाई फाइव और ठीक ना, थ्री बाई फाइव और क्या कर सकते हैं, थ्री बाई फाइव और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर फाइव बाई थ्री प्लस सी। ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं आशा करता हूँ, ठीक। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे भी, वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव को ऊपर ले जाइए, एक्स टू द पावर माइनस फाइव इन टू डी एक्स कीजिए। अब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस फाइव प्लस का वन माइनस फाइव प्लस का वन अब प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस पाँच प्लस वन माइनस फोर हो जाएगा, नीचे में माइनस फोर अब प्लस सी, ठीक ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई फोर, और ये एक्स टू द पावर माइनस फोर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर प्लस फोर अब प्लस सी। चलिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये जो है कि इंटीग्रेशन को समझने के लिए बेसिक्स रूल्स में पहला रूल आपको मैंने डिस्कस किया। अब आगे आने वाले समय में और क्लासेस में और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के क्लास में ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैं आज इतना ही रहने देना चाहता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।